आज मैं आप लोगों के साथ जो मैंने संडे और मंडे को अपना रूटीन शेयर किया है, वही सब क्या क्या किया है मैंने दिन भर में, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलो चलते हैं और देखते हैं आज की वीडियो में क्या क्या है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक न्यू वीडियो लक्ष्मी ब्लॉगर। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आज है 17 अक्टूबर 2022 है आज, और मैं सोच रही हूँ आज मैं यहाँ से अपना ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि दोस्तों ब्लॉग जब भी बना रही हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है और डर भी लग रहा है ब्लॉग बनाना। और आप लोग जानते हैं मेरा ब्लॉग का चैनल है, लेकिन जब भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ, घर का कुछ भी दिखा रही हूँ, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो उस चक्कर में थोड़ा डर लगता है ना, इतनी मेहनत करो सुबह से एक मतलब वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग वीडियो बनाते हैं उन्हें पता है, तो मेहनत करो फिर उसके बाद वीडियो कुछ हो जाए तो फिर डर लगता है। तो इसके चक्कर में मैं अभी यहाँ से शुरू करी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ, मैं शुरुआत कर लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। मैं आज मंडे है और कल संडे भी बहुत व्यस्त रहा, तो मंडे है तो यहीं से मैं कुछ काम करी, तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो चलो चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करती हूँ, चलते हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या कर रही हूँ। अभी सुबह मॉर्निंग का समय है, तो क्या क्या कर पाऊंगी दिन भर वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों ये है मंडे मॉर्निंग का, क्योंकि संडे को ना मैं बहुत थक गई थी और मैंने काफ़ी सारे जो रजाई गद्दा कम्बल होते हैं ना और जो गर्म कपड़े हैं वो सारे मैंने आज मतलब कि संडे को धूप में सुखाए थे, और कुछ तो मैंने समेट लिए थे और कुछ रह गए थे जो कि पूरा दिन भर मुझे बहुत कम पड़ा संडे का, क्योंकि बहुत सारा काम हुआ था। कपड़े जो हम दीवान से बक्से से निकालते हैं तो बरसात में उन पे थोड़ा बहुत बदबू आ जाती है, तो थोड़ा बहुत मैंने वो धूप लगाई थी उन पे, तो वही मैं शेयर कर रही हूँ। मतलब कि मैंने सब कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि मैं दिखा नहीं पाई कि मैंने कैसे निकाला कहाँ डाला कि ये नहीं। तो यहाँ पे ये सारे संडे को किया था, तो ये मंडे मॉर्निंग का है, और रजाई भी मैंने धूप लगाई थी, सब चीज़ों पे लगाया था, तो ये कुछ कुछ समेटना रह गया था। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पे कि ये समेटना रह गया था संडे को, बहुत ही थकान हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पे ये मेरे बेटे की पैंटें भी थी, तो वो सब मैंने सारे निकाले थे, धूप लगाई थी इन पे, और अभी तो काफ़ी कुछ कपड़े रह गए हैं मेरे धूप लगाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ अभी मैंने ये दो रजाई ये निकाल रखी हैं और बड़ी कम्बल भी निकाल रखी, तो अभी ठंड मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इनको मैं दीवान के अंदर डाल दूँगी डबल बेड के, क्योंकि क्या है ना यदि बाहर रहेंगे तो बाहर रह के फिर गंदे होते ही हैं, और गंदे होंगे तो फिर मुझे धोना पड़ेगा, तो इस चक्कर में मैं इनको दीवान के अंदर डाल दूँगी, ताकि जिस दिन भी मतलब बारिश आएगी या ठंड बढ़ेगी फिर मैं आराम से निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये मैंने सुखा दिए हैं तो इनकी जो भी बदबू आती है ना बरसात में, सभी लोग सुखाते हैं कपड़े तो बदबू आती ही है बरसात में, चाहे आप कितने अच्छे से रखो, चाहे कोई चीज़ रखो उसमें डालो, कपूर डालो, कुछ भी करो, तो सारा घर मेरा अभी भी मंडे को बहुत ही बिखरा हुआ था। तो सुबह सुबह मैं लग गई थी काम पे, चाय पीने के बाद लग गई थी, फिर वही होता ना जब तक चाय चुई नहीं पियो तब तक शरीर में जान नहीं आती है, आदत जैसी बन गई है, और अच्छी आदत नहीं है ये, लेकिन क्या करें ये आदत बन गई है। तो दोस्तों यहाँ पे हस्बैंड जी जा रहे थे ऑफिस, और संडे को ना इतना मतलब कि बिजी हो गए थे कि प्रेस करने का भी टाइम नहीं था मेरे पास, तो ये मैं यहाँ पे मैंने सोचा मैं एक जोड़ा इनके जब तो ये नहा के आते हैं एक जोड़ा मैं प्रेस करके रख दूँगी, और यहाँ पे मैं इनके जो ऑफिस के कपड़े हैं उनको प्रेस कर दूँगी। और हमारे यहाँ पे ना
जो प्रेस करने के लिए प्रेस वाला होता है बहुत दूर है, तो उतनी दूर जाओ तो कम से कम 2-4 जोड़े कपड़े लेके ही जाओ, तभी जाके मतलब कि देने जाना पड़ता है। यहाँ घर घर में नहीं आते हैं, जो मतलब कि जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वहाँ पे घर घर में जो मतलब कि प्रेस वगैरह करते हैं वो नहीं आते हैं घर घर में। और मुझे यहाँ पे 3-4 साल हो गए लेकिन यहाँ पे नहीं आते हैं, क्योंकि वो अब मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, यहाँ पे आते ही नहीं हैं। तो फिर हमें खुद ही जो अपने डेली के कपड़े होते हैं, कहीं जाना आना होता है तो खुद ही मैं प्रेस कर लेती हूँ, या तो हस्बैंड जी अपने कपड़ों पे कर लेते हैं। तो ऐसे करके हमारा काम चलता है। और प्रेस या लॉन्ड्री में हम नहीं देते हैं कपड़े, लॉन्ड्री में तभी देंगे जैसे बड़ी कमलें होंगी वो, मतलब ऐसी चीज़ें, और साड़ी हो गई। बाकी जो हमारे डेली के यूज के कपड़े होते हैं हम उनको अपने हाथों से ही प्रेस करते हैं, और हाथों मतलब अपने हाथ मशीन जो भी है हमारे पास उससे धोते हैं। तो इस तरह मैं यहाँ पे काम कर रही थी, और इस साइड ना जिस साइड मैं प्रेस कर रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने कैमरा लगा रखा इधर तब कर रही हूँ, नहीं तो इधर साइड इस साइड कंफर्टेबल नहीं होता है प्रेस करने के लिए। आप लोग भी देख रहे होंगे इधर को टेबल छोटी पड़ती है, मतलब कि इसकी चौड़ाई छोटी पड़ती है और मैं लंबाई में इस प्रेस करती हूँ। तो मैंने कहा छोटी सी एक वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि हमारा जो डेली का रूटीन होता है वो मैं दिखा रही हूँ कि क्या क्या काम मैंने किया है। तो यहाँ पर मेरी प्रेस हो रही है, इनकी जो शर्ट होती है उसके बाद पेंट करूंगी, और प्रेस करना तो क्या बताऊं मैं अब आप लोगों को। तो यहाँ उधर ना मेरी पेंट इनकी लंबाई में नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं इधर से इनकी पेंट कर लूंगी और तब अच्छे से हो जाएगी ना। वहाँ से छोटा पड़ रहा था टेबल, तो इधर से मैंने कहा इधर पेंट लंबी होती है, तो शर्ट तो मैंने किसी तरह कर भी दी थी, वैसे वो भी अच्छे से नहीं हो रहा था लेकिन कर दी थी। तो इधर से पेंट के लिए छोटा पड़ रहा था टेबल, तो इधर से मैं प्रेस कर दूंगी। और वैसे यदि ज़मीन पे कमल बिछा के करो तो बहुत अच्छी प्रेस होती है, पर लेकिन प्रेस करना बड़ा झंझट का काम है, मुझे ये लगता, पता नहीं सभी को लगता है, मुझे तो बहुत झंझट का काम लगता प्रेस करना। और काम तो आसानी से हो जाते हैं, कपड़े धुल जाते हैं, लेकिन प्रेस करना बड़ा झंझट का काम है होता है। यहाँ पर मैंने सोचा लगे हाथों प्रेस गर्म हो रखी है, तो मैं अपनी सूट भी गर्म वो सॉरी अपनी सूट पे भी थोड़ा प्रेस मार देती हूँ, क्योंकि मुझे शाम को जाना है कहीं, अपनी मतलब कि वही मेरी फ्रेंड और मुझे जाना है हमको कहीं। तो मैंने सोचा एक जब प्रेस गर्म हो ही रखी है तो मैं इसको भी प्रेस कर देती हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों यदि आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना और लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है और ना ही हम लोगों को उससे कुछ मिलता है, लेकिन अच्छा लगता है कि अपनी वीडियो पे लाइक आए तो अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब बढ़े तो वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि सब्सक्राइब 1,000-2,000 हों और व्यूज़ अच्छे आए तो वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है दोस्तों। लाइक यदि हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि मेरी इतने लाइक हो गए हैं और वो सब्सक्राइब हो गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये है मेरी सैटरडे शाम की, और मेरे ना जो बाथरूम में ये डिब्बा था इसमें ये सर्फ ख़त्म हो गया था, तो सोच रही थी सुबह से कि डालूंगी अभी डालूंगी तभी डालूंगी, भूल गई थी। तो रात को पता आपको ये रात को मैं 11 बजे ये काम कर रही हूँ, ये सैटरडे शाम का था, सैटरडे था कि फ्राइडे का था, पर लेकिन मैंने वीडियो बना के रखी थी, क्योंकि क्या होता है ना जो पुरानी जैसे कि मतलब 1-2 दिन पहले बना के हम लोग रखते हैं तो वो भूल जाती हूँ कि सैटरडे का है कि फ्राइडे का है। तो यहाँ पे मैंने सोच रही थी कब से कि ये, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ये अगले दिन मॉर्निंग की है, तो कपड़े धोने डाल दी हूँ मैं, और कपड़े जैसे मैंने भिगोने डाले हैं इसमें मैंने सर्फ पहले से डाल दिया था, तो कपड़े जैसे मैंने धोने के लिए डाले वैसे ही लाइट चली गई थी। तो उसके बाद मैं ज़्यादा मतलब कि वीडियो नहीं बना पाई, तो यहाँ पे मैं इसको
मतलब कि कपड़ों को मैं इसमें डाल दूंगी। इनके कपड़े थे ये, आप लोग देख रहे होंगे कपड़े, वही जिनको मैं प्रेस कर रही थी वही कपड़े हैं ये। तो इनको मैंने, मुझे लग रहा फ्राइडे की है ये वीडियो, फ्राइडे को मैंने ये धोए थे और मंडे को मैंने ये प्रेस किए थे। तो मैं मतलब कि पहले मैं मशीन लगाना सोच रही थी कि मशीन में डालूंगी सारे इनके जितने भी ऑफिस के कपड़े हैं, लेकिन क्योंकि सुबह से लाइट आ रही थी जा रही थी बार बार, तो उस चक्कर में मैंने सोचा मैं मशीन लगाऊंगी, बीच ही में मुझे मशीन को बंद करना पड़ेगा, फिर क्या है कि सर्फ वगैरह डालो इतना सारा तो वो सारा बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने सोचा मैं इनके एक दो जोड़े ऐसे करके धो देती हूँ और बाकी जब लाइट अच्छे से आएगी तब मैं लगा दूंगी मशीन। तो इस चक्कर में मैंने इनके एक दो जोड़े ऐसे ही धो दिए थे और बाकी जो मतलब थोड़ा बहुत जो होते हैं हमारे डेली के वो कपड़े मैंने सोचा मैं ऐसे ही हाथ से धो दूंगी और फिर